फ्रेंड्स वेलकम है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ पिज्जा बनाने, तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स जो भी पिज्जा बनाने में सामान लगेगा मैं उसकी आपको सामग्री दिखाऊंगी, तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ पिज्जा बनाने में क्या क्या सामान लगेगा। सो फ्रेंड्स हमने लिया है स्वीट कॉर्न और पनीर, और फिर हमने यहाँ लिया है टमाटो, अनियन, कैप्सिकम, देन मोजरेला चीज, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पिज्जा बेस एंड पिज्जा पास्ता। और इसको पिज्जा पास्ता एंड पिज्जा सॉस है ये। फ्रेंड्स आप लोग इसको पिज्जा बेस में भी यूज कर सकते हैं जब आप पिज्जा बना रहे हो, और देन आप जब पास्ता बना रहे हो तो इसको आप पास्ता में भी यूज कर सकते हो इस सॉस को। यहाँ पर मैंने प्याज को कर लिया है बारीक बारीक कट। फ्रेंड्स उसके बाद मैंने एक गैस पे कढ़ाई रख दी है कम फ्लेम करके, और दूसरी साइड में रख रही हूँ कटोरी में थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारे स्वीट कॉर्न है वो थोड़े से बॉयल होके थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने पनीर को कर लिया है छोटे छोटे पीसीज में कट। थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया। फ्रेंड्स मैं पहले थोड़ा सा अनियन और पनीर को थोड़ा सा मैं ऑयल में फ्राई करूंगी, और उसमें मैं फ्राई करने के साथ साथ थोड़ा सा काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार डालूंगी, ताकि थोड़ा हमारा जो पनीर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और हमारे जो पिज्जा बने उसमें और अच्छा टेस्ट भी आएगा इससे। फ्रेंड्स ये हमारे जो स्वीट कॉर्न थे वो भी बॉयल होके थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पनीर थोड़ा सा रेड होने लग गया था, मेहरून सा, तो इसमें हमने जो भी हमारे सारे मसाले थे उसको हमने ऐड कर दिया है। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ले लिया है पिज्जा बेस, अब इसमें लगाने जा रहे हैं पिज्जा सॉस। सो फ्रेंड्स हमने इसमें पिज्जा सॉस लगा दिया है, इसमें थोड़ा सा हम पहले चीज डाल देंगे हल्का सा। अब इसमें जो हमने अपना पनीर फ्राई किया था उसको हम ऐड कर देते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे अपने कॉर्न। फिर थोड़ा सा जो हमने अपने टमाटो को कट किया था छोटे छोटे पीसेस में उसको ऐड कर देते हैं हम। उसके बाद अनियन डाल देते हैं हम। फ्रेंड्स मेरे को तो ऐसे ही देख के मन कर रहा है कि मैं इस पिज्जे को अभी ऐसे ही खा लूं बिना बेक किए हुए। इसमें हमने ऐड कर दिया है कैप्सिकम। ऊपर से हम और कर देते हैं इसमें चीज ऐड। चीज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, किसी किसी को चीज ज्यादा पसंद नहीं आता है, कहीं मोटे ना हो जाए, तो हम अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। ठीक गाइस मुझे चीज बहुत ज्यादा पसंद है। सो फ्रेंड्स जो हम ये पिज्जा बेक करने वाले हैं वो करने वाले हम घरेलू नुस्खे से, यानी कि कढ़ाई में। सो आप चैनल पे बने रहिएगा और देखिएगा हम कढ़ाई पे इसको कैसे बेक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स पहले हमें रख दिया है यहाँ पर कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा हम ऐड करेंगे नमक।
सो फ्रेंड्स, हमने जो कढ़ाई रखी थी वो अब हीट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे स्टैंड और फिर जो हमारा पिज्जा है उसके नीचे हमने बटर पेपर रख लिया। बटर पेपर के ऊपर हमने अपना जो पिज्जा रेडी किया उसको रखा है। अब इसको हम थोड़ी देर, फ्रेंड्स इसको अब हम 5 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम में करके छोड़ देंगे और इसको अब हम इसको अपनी प्लेट से ढक देंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा पिज्जा हो चुका है रेडी। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं ओरिगैनो। सो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम चिली फ्लेक्स। सो फ्रेंड्स, जो ये मैंने पिज्जा रेडी किया है वो मैंने मम्मी की डिमांड पे किया है क्योंकि आज मेरी मम्मी का बहुत ही ज्यादा पिज्जा खाने का मन कर रहा था। सो सबसे पहले हम लेके चलते हैं मम्मी के पास और मम्मी को खिलाते हैं पिज्जा। मम्मी बताएगी मम्मी को पिज्जा पसंद आया कि नहीं आया। सो फ्रेंड्स, मम्मी को तो पिज्जा बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आपको पिज्जा कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो एक बार आप लोग भी घर पे जरूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।